आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका के स्टैंड पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस बीच एक खबर फैली कि अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी ने अपनी टीम को भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चेतावनी जारी की थी। हालांकि अमेरिकी दूतावास ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इससे इतर पेंटागन ने भी भारत के साथ मजबूत संबंध की प्रतिबद्धता दोहराई है। पेंटागन ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा कि हम रक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ अपने संबंधों की बहुत सराहना करते हैं। हम भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि आप हमें आगे भी ऐसा करते हुए देखेंगे। आपको बता दें कि 1997 में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार लगभग नगण्य था। आज यह 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर है। एक सवाल के जवाब में राइडर ने कहा कि चीन रक्षा विभाग के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रों की संप्रभुता को संरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित आदेश का पालन करने की बात आती है तो भारत ने कई वर्षों से शांति और स्थिरता को कायम रखा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अन्य देशों के साथ हमारी साझेदारी की सराहना करते हैं। भारत के साथ संबंध पर नहीं पड़ेगा असर। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि गारसिटी ने अपनी टीम को ओटावा के साथ नई दिल्ली के राजनयिक विवाद के भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चेतावनी दी थी।